गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन का स्वभाव है कि वो अपनी आवश्यकता के लिए असत्य को भी सत्य का रूप धारण करा देता है। इसलिए कल कहना पड़ा कि वास्तविक सत्य की खोज के लिए आंतरिक और बाह्य जितनी भी विडंबनाएं हैं उनको त्यागना होगा। आपको कल बताया गया पुस्तकों के माध्यम से अगर सत्य की खोज करनी है तो मुझको करनी है, महात्माओं संत गुरुओं के माध्यम से अगर करनी है तो वो मुझको करनी है, किसी और को नहीं। तो जो भी करना है वो मुझको करना है, एक आस हमको छोड़ देनी चाहिए। कि हम फला का सिर पर हाथ रखवा लेंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा, ये आशा हमको छोड़ देनी चाहिए। मेरे कर्मों का संबंध मेरे से है, इसलिए उस सत्य की खोज में मुझे ही अपने आप को लगाना होगा। अब मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, कह रहा हूं, अगर आपको सच्चे सत्य की आवश्यकता है देखिए ये तो सब कह देंगे सच्चे सत्य की आवश्यकता है, परंतु उसकी जिज्ञासा कितनों के अंदर है। केवल सत्य को पाने की इच्छा से, सत्य की कल्पनाओं से सत्य की पूर्ति नहीं होती। जब तक सत्य की आकांक्षा अपने अंदर ना जगे आप सत्य को नहीं पा सकते। और अगर सत्य को पाना है तो एक एक विकृति को ढूंढ ढूंढ करके अपने अंदर से बाहर आपको निकालना पड़ेगा। एक एक को निकालना पड़ेगा। सत्य पाने के लिए सत्य की तरह निर्मल निर्द्वंद वासना रहित हमको बनना पड़ेगा। सत्य परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा सत्य का स्वरूप है। सत्य तथा परमात्मा एक ही परम तत्व के दो पर्यायवाची शब्द हैं। हम सत्य के अन्वेषी बने। सत्य और परमात्मा के बीच में कोई दूरी नहीं है। उस परम तत्व को पाने के लिए उसी की तरह का विस्तृत पवित्र श्रेष्ठ
हमको बनना पड़ेगा। जो विस्तृत होना चाहता है, विशाल होना चाहता है, उसे क्षुद्रता और स्वार्थ को छोड़ना होगा। उसके बिना संभव ही नहीं है। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं और निवेदन करूंगा, सब लिखे, जो नहीं लिखते हैं वो सत्य के अन्वेषी नहीं है। इसका मतलब तैयार हो जाए सुनने के लिए और लिखने के लिए। मेरे दो तीन प्रश्न हैं। क्या सत्य के लिए आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है? जब मैं प्रवचन के माध्यम से बोल रहा होता हूं तो क्या आपका संकल्प जगता है? दो सवाल किए मैंने, जवाब दीजिए। जिसने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब वो सत्य के पथ पर नहीं है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, उसकी जिज्ञासा नहीं जगी। और ये खेल नहीं है, कोई ये सोच ले बच्चों का खेल है। डांट करके कह रहा हूं, ये बच्चों का खेल नहीं है। आपको अपने क्षेत्र में गंभीर होना पड़ेगा। आपको जीवन के क्षेत्र में गंभीर होना पड़ेगा। कान खोल करके सुन लीजिए, एक तिनका भी आपका साथ देने वाला नहीं है। जैसे जैसे मैं बोलता हूं, वैसे ही वैसे आपके स्वभाव में एक परिवर्तन आना चाहिए। और बेटा, जब तक वो संकल्प मजबूत नहीं होगा, कोई आपके काम नहीं आने वाला। अपने संकल्प को इतना मजबूत कर दें, बेटा कह करके कह रहा हूं, बाहर के छल छद्म, वासना तृष्णा अहंकार, ये सब आपको प्रभावित करते हैं, ये सब आपको प्रभावित करते हैं। मैंने पिछले दिनों कहा था कि अब जो मैं बोलूंगा वो बोलना विचार नहीं है, वो शक्ति पात है, परम पूज्य गुरुदेव का शक्ति पात है। ये जो आप उथल पुथल को अब महसूस कर रहे हैं, ये परम पूज्य गुरुदेव की परम अनुदान है हमारे ऊपर। अगर इसको आप पचा गए, इसको आप पचा गए और आपको आपके विकार प्रभावित ना कर सके, तो आप पार निकल जाएंगे, पार निकल जाएंगे। ध्यान देना बहुत अच्छे से मेरी बात पर। याद रखना, जो भी कुछ भोगना पड़ेगा, जो कष्ट भोगने पड़ेंगे, वो आपकी तपस्या होगी, वो आपकी तपस्या होगी। और इसी तपस्या के परिणाम स्वरूप आप अपने विकारों को जला पाएंगे। बोलिए,
सोने में खोट होता है कि नहीं होता है, परंतु खोट निकालने के लिए उसको तपना पड़ता है कि नहीं तपना पड़ता है। जिस रास्ते पर हम चले हैं वो रास्ता हमारी कठिनाइयों से भरा हुआ है, परंतु यहां एक बात कह रहा हूं, भाग्य से कर्म से परे कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छा, आपको अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे कर्म कट जाएं? क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे कर्म कट जाएं? अरे एक साथ ये कटने लग जाएं, इनकी होली जलने लग जाए, ये पहाड़ के पहाड़ मेरे पाप जल करके नष्ट हो जाएं। वो आकांक्षा मुझे अंदर से जगानी पड़ेगी। मैं सत्य का अन्वेषी बनूं, सत्य पथ पर चलने के लिए जिज्ञासु बनूं, कोई भी रुकावट मुझे रोक ना पाए। बहुत गंभीर होइए, बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है। विस्तृत और विशाल बनना होगा, शुद्रता और स्वार्थ को तोड़ करके अपने व्यापक स्वरूप को धारण करना होगा। इस चराचर जगत में परमात्मा का प्रेम समान रूप से तरंगित हो रहा है। सत्य अन्वेषी को भी अपने प्रेम का प्रसार उस सीमा तक करना चाहिए जितना वो व्यापक कर सकता है। मैं जिस सीमा तक के जो कह रहा हूं, जितना व्यापक आप अपने आप को बना सकते हैं। अरे किसी से हो ना हो, अपने गुरु से तो हम प्यार कर ही सकते हैं। जिस दिन मनुष्य अपनी स्वार्थपूर्ण परिधि से निकल करके सत्य की तरह व्यापक हो जाएगा, उसी दिन उसको सारस्वत रूप में सत्य के दर्शन होने लग जाएंगे। जो उसके देह सच्ची सुख शांति का एकांकी तथा अविचल आधार बनेगा। मैं फिर से अपनी बात को कहना चाहता हूं, जोर लगाकर के कहना चाहता हूं, यदि मनुष्य सत्य की तरह निर्मल और निर्विकार होना चाहता है तो उसे अपनी आत्मा के मुक्त होने में सहायक बनना पड़ेगा। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? नहीं आ रही तो पूछो, आ रही है तो साथ दो। देखिए, झूठी बात कोई मत बोलना, अगर इतनी बात समझ आ रही है तो मैं आगे चलूं और नहीं आ रही है तो पूछो। अपनी आत्मा को मुक्त आपको बनाना पड़ेगा।
जो बंधन है उनको तोड़ना पड़ेगा। अपने अंशी परमात्मा की तरह अपने आप को व्यापक बनाना पड़ेगा। प्रयत्न करिए, हिम्मत करिए, मनुष्य का विस्तार उसकी आत्मा की मुक्ति। और विस्तार के अनुपात से ही होता है, मुक्ति भी उसके विस्तार के अनुपात से ही होती है। पानी में पानी मिलता, पानी बढ़ता, अनाज में अनाज मिलता, अनाज बढ़ता है, दूध में दूध मिलता है, दूध बढ़ता है। आपको कितनी आत्माएं आत्मा से चाहती हैं, प्रेम करती हैं, उतना ही आपका विस्तार है। इसी को आत्मविस्तार कहते हैं। आप कितनी आत्माओं को प्रेम करते हैं और कितनी आत्माएं आपको प्रेम करती हैं, ये दोनों का मिलन है और ये दोनों का विस्तार है। मैंने कहा कोई छल छद्म दिखावा नहीं होना चाहिए। सत्य अन्वेषी हैं, सत्य का अन्वेषण होना चाहिए। जितनी जिसकी आत्मा बंधन रहित और विस्तृत होगी, वो स्वयं उसी अनुपात में बढ़ता हुआ, विस्तार करता हुआ चला जाएगा। ब्रह्मवश अपने को शरीर समझने वाला, जो मैंने शुरू में बात कही थी, मन की बात, वो छलावा करता है, झूठ को सच बना देता है, बचने का रास्ता ढूंढता है। आप ऐसा मत करना। मन को मन तक रहने देना, बुद्धि को बुद्धि तक रहने देना, आत्मा को परमात्मा तक जाने देना। शरीर समझने वाला मनुष्य यथार्थ में संसार तक रह जाता है। अपने सत्य स्वरूप आत्मा पर अपना ध्यान और सत्य अन्वेषण का प्रयास केंद्रित कर देने वाला, सत्य के रहस्य को समझने का प्रयास करता है, सत्य के रहस्य को समझने का प्रयास करता है। ये नहीं कह रहा हूं सत्य को समझ जाता है। सत्य का सही स्वरूप उद्घाटित करना पड़ता है। जैसे जैसे वो उद्घाटित होता है, वैसे ही वैसे वो प्रकाश स्वरूप बनता हुआ चला जाता है। वो प्रकाश स्वरूप बनता या साकार होता हुआ चला जाता है। हमें उस सत्य का प्रकाशन करना है जो हमारे अंदर छुपा हुआ है, उसको हमें प्रकट करना है। आप आत्मा से केवल इतनी अपेक्षा कर सकते हैं कि वो आपके प्रति श्रद्धालु आस्थावान बनी रहे,
ध्यान का समय हो रहा है, अब ध्यान की तरफ चलेंगे। सविता, प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का, प्रथम चरण मंथन, मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन समुद्र मंथन जीवन मंथन प्राण मंथन अग्नि मंथन 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 से अंत ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन,
जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षटचक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र
जागरण विशुद्ध चक्र जागरण अज्ञा चक्र जागरण षट चक्र जागरण कुंडलिनी जागरण चतुर्थ चरण विस्तरण सविता से योग अग्नि का विस्तार मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार ब्रह्म सत्ता में विस्तार चिंगारी का दावानल में विस्तार ज्योति का ज्वाला में विस्तार मूलाधार का आत्मसत्ता में आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में ब्रह्म सत्ता में चिंगारी का दावानल में ज्योति का ज्वाला में विस्तार विस्तरण जागरण कुंडलिनी जागरण पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन साधक का सविता में परिवर्तन आत्मज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन का महानता में परिवर्तन कामना का भावना में परिवर्तन
वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन संवर्धन जागरण कुंडलनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, सतो मा सद्गमय, सतो मा सद्गमय, सतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के पांच चरण, पंचोंकार। दोनों हाथ रगड़ें और यज्ञ की तरफ चलें।
पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांग तोपि वह यह समृत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनातु आचमनम। दाहिने हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर पिएंगे। ओम अमृतो प्रस्थनमसिः स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसिः स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीमय श्री श्रीयतम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ की पांच उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को छुएंगे। ओम चिद्दरूपिणी महामायी दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराइये बाएं से दाएं, अपनी इंद्रियों को स्पर्श करें। ओम वांग्मय यासे यस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका को दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों बाहों को, ओम उर्वोर में ओजुवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तनवा में सहसंतु। एक आचमनि जल धरती माता पर चढ़ा करके धरती माता का पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयामां देवी पवित्रं कुरु च स्मनम्। एक दूसरे को तिलक करेंगे। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम रक्षा सूत्रम। एक दूसरे को कलावा बांधे, जिन्होंने नहीं बांध रखा है वो, और जिन्होंने बांध रखा है वो अपने कलावे को पकड़ करके संकल्प लेंगे। अमृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोरजूतिर्जुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनुकरिस्तम् यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इह मादेयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा है, ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। अब दीपक को तिलक करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्देव साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया।
ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प अर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। बूंद बूंद करके चार बूंद जल चढ़ाएंगे और सहायक परिजन कलावे के दो टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के टुकड़े चढ़ाइए। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि, ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षे शिरोरुभावे सहस्रनामने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम्। बाएं हाथ पर अक्षत लेकर के निर्दिष्ट दिशाओं में प्रत्यारोपण करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हमारी रक्षा करें। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुद्धज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्र्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम हि महेश्वर, ऊपर ऊर्धम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतश्च रक्षतु, अनुक्तम अपि यतस्थानं रक्षत विशो ममार्दिक। आप सर्वन्तु ये भूताय भूता भूमि समिस्थताय भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं, सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे, यज्ञकर्म समारभे। ऋषियों को बाद में बुलाएंगे, पहले अग्नि स्थापना करेंगे जिससे कुंड अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। अग्नि स्थापनम्। ओम भूर्भुवः स्वः द्योरिव भूम्नाः पृथ्वीर्वरीम्नाः तस्यास्ते पृथ्वीः देव यज्ञे पृष्ठे अग्निमनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतं पुरो दधे हव्यवाह मुपबुर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नि नमः अग्निमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रॉपर समीधा लगा लें और थोड़ा सा उस पर घी डाल दें। हाथ पर पुष्प अक्षत ले लें। ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि, श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था, सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतमे सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रियम, श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक।
ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। ऋषिवर ये भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु। सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। ऋषि विश्वामित्र का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिस्थापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम आज नमन यहाँ। कृपा करें ब्रह्म ऋषि आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तु ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम। जलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षी कृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगति ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार यहाँ स्वयं आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असी त्वं प्रथयामि से पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर, जमदग्नि जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के तुसे सुतेज से जज्जलायमान मुख था, तपोमूर्ति ऋषि का उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नि नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हिते श्री ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से सदा भरा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। नमस्त ओम ओम नमस्तुभ्यम वशिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि, ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपह पूत है, सत्य रूप है, तेजस्वी व्रतधारी है। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यम सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्र तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता, बालक शीश झुकाते हैं, इस पुनीत बेला में ऋषि माता हम तुम्हें बुलाते हैं। हम बोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी अभी, यहाँ यज्ञ मंडल में हुए ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्तय नमस्तुभ्यम सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वम नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्तय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तय सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनामने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। जल प्रसेचनम विभिन्न दिशाओं में, जिसमें कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल कुंड के बाहर छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे,
ओम सरस्वताय नमन्यस्व इति उत्तरे दक्षिण से चारों तरफ ओम देव सवित परस्व यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपोह के तम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु। घी के साथ आहुतियां दीजिए। ओम प्रजापतय स्वाहा इदम प्रजापतय इदम नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमम। ओम अग्नय स्वाहा इदम अग्नय इदम नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमम। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नय इदम नमम। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमम। ओम सः स्वाहा इदम सूर्या इदम नमम। गायत्री मंत्र आहुति ही। गायत्री मंत्र के साथ आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। श्राद्ध के लिए हम यम भगवान को तीन आहुतियां देंगे। सभी के घर में श्राद्ध हैं और सभी तीन आहुतियां यम देवता को दें। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नयम प्रचोदयात् स्वाहा इदं यमाइदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नयम प्रचोदयात् स्वाहा इदं यमाइदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नयम प्रचोदयात् स्वाहा इदं यमाइदं नमः। गंगा विहार से सत्यभामा का नंबर जिनके पास हो उनको कह दीजिए गुरुदेव ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, आप बार बार फोन ना करें। जिनके पास उनका नंबर है एक बार उनको कॉल करके कह दीजिए। अब विशेष आहुतियां
संजय दुबे बहपुरा से, कोनिया क्षेत्र से, उनके परिवार की सुख शांति के लिए। हाथी खाना लखनऊ, श्वेता बिटिया के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मैनपुरी से अनीता के लड़के की तबीयत ठीक नहीं है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। गंगा विहार से ये तो हमारे ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए कह रही है, रणवीर के परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। राकेश भूड़पुर से, उसकी तबीयत खराब है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। प्रेमलता गंगा विहार, वो भी हमारे लिए ही कह रही है। अनीता के लड़के का जन्मदिन है, स्वास्थ्य ठीक है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए। इटहरा से अंकित पांडे के पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। देव परिवार में जिनको दिक्कत हो, उनकी सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए आगे किया होती। ओम त्रियंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। सत्यम के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, डोली गोस्वामी का जन्मदिन है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदया स्वाहा इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदया स्वाहा इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदया स्वाहा इदं रुद्रा इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदया स्वाहा इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदया स्वाहा इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदया स्वाहा इदं सूर्या इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्रामय प्रचोदया स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तय धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदया स्वाहा इदं महाशक्तय इदं नमः। आप देख रहे होंगे समय समय पर दुष्ट राक्षस अपना स्वरूप बदल करके आ रहा है। उसके दमन के लिए, उसकी शक्ति के दमन के लिए हम महाकाल से प्रार्थना करेंगे। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभी ते अंत कृमियो गवि स्वाहा इदम आदित्य गणेभ्य इदम न मम। रोग जो पैदा हो रहे हैं उनके नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम
सर्व शरीरम समनम तिरोगम बहिर्निमंत्रयामहि स्वाहा इदम सूर्याय इदम न मम। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानर वैश्वैरमा वैदेव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा इदम वैश्वानराय इदम न मम। सृष्टि कृत होम है प्रायश्चित आहुति घी निष्ठान के साथ देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनिमिहाक्रम अग्निस्त सृष्टिकृत सरम सुहूतम करो तुम्हें अग्नि सृष्टिकृत सुहूतुते सर्पैश्चिताहुतीनाम कामानाम समृद्धैत्रे सर्वान्न कामान समृद्धयै स्वाहा इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमम। पूर्णाहुति ही ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्ण वह ईस्मूर्जय गंग सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पुनर्गं स्वाहा। ओम सर्वं वै पुनर्गं स्वाहा। एक चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ेंगे और आरती की तैयारी करेंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा कामदुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यमदम वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोदग्दे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्रोद्र मरुतः स्तुन्वन्त दिव्यै स्तवे वेदै सांग पद क्रमनोपनीर सदै गारयन्ति यम श्यामग ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुसुरा सुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या ददनम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्धज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। शांति पाठ करेंगे सबको पुष्प और अक्षत देंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष गं शांति ही पृथ्वी ही शांतिरापह शांतिरोषधयः शांति ही वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति ही सर्वगुं शांति ही सर्वगुं शांति शांति रेव शांति शामा शांति रेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति सर्वारिष्टा सुशांतिर भवतु। कलश को ऐसी रखेंगे सूर्य अर्घदान नहीं देंगे देव दक्षिणा देंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवातानि धर्माणि प्रथमा न्यायशन तेहनाकम महिमान शचत्र यत्र पूर्वे साध्या संति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। भाव भरा निवेदन। मैं अपनी सभी माँ बहन और बेटी पिता तुल्य भाई तुल्य और बेटे तुल्य जो मुझे जिस रूप में भी देखते हों उन सभी से आग्रह कर रहा हूं। गुरुदेव की तो विशेष कृपा मेरे ऊपर है ये मुझे दिख रहा है कि
क्योंकि आदमी पर जितनी दिक्कतें आती हैं उतनी ही कृपा भगवान की होती है, पाप कटते हैं। हमारे पाप कुछ ज्यादा हैं इसलिए मैं आप सबसे, बहन बेटियों से भी और पिता पुत्रों से भी, सभी से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, सबकी कृपा मुझे चाहिए, मेरे पाप कटें। उसके निमित्त 9:45 बजे संकल्प होगा और आज का प्रोग्राम समिति ने हमारे लिए रखा है। मेरा आप सबका से निवेदन है और मैं आपका आभारी रहूंगा, यदि आपकी कृपा मुझे मिल जाए तो मैं भी तर जाऊं। आपके जरूरी कार्यों में विघ्न पैदा कर रहा हूं, आपका समय बड़ा कीमती है, आप मुझ पर दया और कृपा दृष्टि रखते हुए मेरी सहायता करें और आज का समय 10:00 बजे से 10:40 तक का जो भी है वो मेरे उज्जवल भविष्य की कामना के लिए, जो मुसीबतें मेरे पर आई हैं उनमें मेरी सहायता करें, मेरे पाप कटें। मैं ऐसी आशा करते हुए आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरी सहायता करिए। इस लड़ाई में हम मिलकर के एक दूसरे का साथ दें, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष गं शांति ही पृथ्वी ही शांति राप शांति रोषिदय शांति ही वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति ही सर्वगं शांति ही शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वरिष्टा सुशांतिर्भवतु। आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज की पारी समाप्त यहीं पर करते हैं और प्रार्थना करता हूं कि 9:45 बजे आप तैयार रहेंगे। आज की बात संपन्न।